योजना रे ओडिशा को फायदा। आकाशपथ रे जोड़ी हला जयपुर, दक्षिण ओडिशा को कमिला राजधानी रो दूरता। उड़ान योजना रे जोड़ी हला आउ एक डेणा, कोरापुट जयपुर रु उड़ीब विमान, फल पर्यटन को मिलिबो फायदा। सोमवार दिन भुवनेश्वर विमान बंदर रु जयपुर को उड़ी प्रथम विमान। दुई शहर मध्य विमान सेवा को उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इंडिया वन एयर सप्ताह को 6 दिन उड़ाण भरव। प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11:35 मिनिट्रे भुवनेश्वर विमान बंदर रु जयपुर को उड़ाण भरव। अपराह्न 1:20 मिनिट्रे जयपुर में पहुंचब। जयपुर रु 1:40 मिनिट्रे छाड़ब और 2:30 मिनिट्रे विशाखापाटन में पहुंचब। यह अपराह्न 3:00 विशाखापाटन बाहरी 3:50 मिनिट्रे जयपुर में पहुंचब। 4:05 मिनिट्रे जयपुर रु बाहरी 5:50 मिनिट्रे भुवनेश्वर में पहुंचब। एथिपे भड़ा रही 2,500 टंका। प्रारंभिक भाव टिकेटर मूल्य 999 टंका रही। यात्री माने indiaoneair.com वेबसाइट रे टिकेट बुकिंग कर परिबे। हम लोगों का एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे सीट से इक्विप्ड है, सो दैट्स अ वेरी लग्जरी सीट्स जो चार्टर एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। सोफा सीट्स हैं और लेग स्पेस बहुत है, पीपल कैन गो वेरी कंफर्टेबली। उन लोगों को बैक पेन या वैसे सब प्रॉब्लम्स नहीं हो। सो हम लोगों का एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी है, 9-सीटर एयरक्राफ्ट है, 9 डेज के लिए 999 का ऑफर है। प्रतिदिन भुवनेश्वर जयपुर, जयपुर विशाखापट्टनम, पुणि रिटर्न विशाखापट्टनम रु जयपुर, जयपुर भुवनेश्वर, सप्ताह को 6 दिन आ खूब शीघ्र सप्ताह को 7 दिन वर्तमान चलो। ये 9-सीटर एयरक्राफ्ट ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट DGCA लाइसेंस प्राप्त है। आम जयपुर एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट जोटा को आम लाइसेंस अप्लाई करते आपने जानते गत सप्ताह लाइसेंस आमको मिलला DGCA कमिटी ऑफ इंडिया तरफ ऑपरेशन करने तेणु तार खूब शीघ्र 7-8 दिन भितर आम गोटे विमान संयोग कराद्वारा लोक मैंने बहुत उपकृत हो। उड़े देश का आम नागरिक बा उड़ान योजना को 2016 अक्टोबर 21 तारीख में लोकार्पित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पकेट को सुहाइवा भली टिकेट मूल्य, देशर सबु अंचल सह आकाशपथर संजोग स्थापन सह आंचलिक वैषम्य ह्रास उद्देश्य यह उड़ान योजना। अर्थनैतिक दृष्टि पछुआ राज्य ओडिशा उड़ान आनी सुजोग। जयपुर पूर्वर ओडिशार झारसुगुड़ार वीर सुरेन्द्र साय विमान बंदर को केन्द्र सरकार निज आड़ उड़ान योजन सामिल करते। एथिपाई 2017 मार्च 1 तारीख में केन्द्र और राज्य सरकार एक बुझाणा पत्र स्वाक्षरित होता। 2019 मार्च मसु विमान उड़ान आरंभ होता। यह हवाई अड्डा एक प्रकार से उड़ीसा का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। हम लोगों की सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। यहाँ के सभी नागरिकों को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए अत्यंत गर्व की लागणी अनुभव करता हूँ। एयरपोर्ट गोटे तार कैटलिस्ट हम, तार गोटे ब्रिज हम। ये अंचल आगामी दिन में अधिका कोयला उत्पादन, अधिका बिजुली उत्पादन, आलुमिनियम स्टील जंगलजात द्रव्य, कृषि पनीपरिया टेक्सटाइल तथा यह अंचल जो भाया शिक्षानुष्ठान अच्छी NIT राउरकेला हो, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज हो, GM कॉलेज हो, नुआ के गढ़ी उठुवा IIM हो, संबलपुर यूनिवर्सिटी कैंपस हो, ये गुड़िक ये अंचलर बौद्धिक क्षमता को आहरी परिप्रकाश करेब। ये अंचल आगामी दिन गोटे अग्रणी अंचल हम। उड़ान योजन ओडिशार प्रथम पर्यायर राज्यर झारसुगुड़ा, राउरकेला, उत्केला और जयपुर को सामिल कर। राउरकेला विमान बंदर को बहु पूर्वर DGCA अनुमति दे सारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्य गत 29 तारीख में नूआदिल्ली ठारे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट बुझामणा होछि। आगामी दिन में उड़ान स्कीम अधीन कलाहांडीर उत्केला विमान बंदर को विमान चलाचल पर रूट मिली। एथिलागि DGCA अनुमोदन मिलवा पर भुवनेश्वर उत्केला और उत्केलू रायपुर जाए विमान चलाचल कर। भुवनेश्वर कविता स्वाई रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।